तो आज हम डिस्कस करने वाले, सबसे पहला मेरा स्टडी का वीडियो कि व्हाट इज़ फिजियोलॉजी। तो हम आगे फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं सारे, बायोकेमिस्ट्री, फिजियो, पैथो, एट्सेट्रा, एनाटॉमी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ फिजियोलॉजी, कि फिजियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी को हम दो शब्दों में डिवाइड करते हैं, फिजियो एंड LOGY लॉजी। आप लोगों को अब ये बात तो पता ही होगी कि फिजियो मतलब क्या होता है। फिजियो का मतलब होता है फंक्शन, फिजियो का मतलब क्या होता है फंक्शन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, फिजियोलॉजी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब दो शब्दों में डिवाइड करते हैं। पहला शब्द आता है फिजियो और दूसरा शब्द आता है लॉजी। फिजियो का मतलब होता है फंक्शन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब हम इसको पूरे शब्द के बारे में एक साथ इकट्ठे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या होती है, स्टडी अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। अब हमने बॉडी की बात, क्योंकि फिजियोलॉजी किसके अंदर आती है, फिजियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मतलब हम MBBS के अंदर फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं। तो हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हम हमारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या क्या फंक्शनिंग होती है। ठीक है, वो होती है फिजियोलॉजी। ठीक है, अब फिजियोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है, हार्ट बीटिंग, मतलब हमारा हार्ट धड़क रहा है, मतलब हमारा दिल धड़क रहा है, दैट इज़ अ फिजियोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, आप देख नहीं सकते लेकिन हमारा दिल धड़क रहा है, अंदर फंक्शनिंग हो रहा है, इसी वजह से आपका ब्लड का सर्कुलेशन चालू है, आपकी कार्डियक साइकिल चल रही है, तो ये फिजियोलॉजिकल एक्शन है। सेकेंड, जैसे ले लीजिए अपना डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है आपका, और एक्सक्रीशन तक जो भी चीज़ें हो रही है आपके अंदर, आपने किसी चीज़ को इजेशन किया, मतलब आपने उसको खाया, और खाने से लेके एक्सक्रीशन तक जो भी चीज़ें हो रही है वो सारा पार्ट किस चीज़ का आ जाता है, डाइजेशन, मतलब वो भी एक एक्शन है, तो वो भी किस चीज़ में आ रहा है, डाइजेशन के अंदर आ रहा है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन खुद एक प्रोसेस है, तो वो भी एक एक्शन हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आप अपना फीकल मैटर बाहर निकाल पाते हैं, वो भी एक फिजियोलॉजिकल एक्शन है। तो व्हाट इज़ फिजियोलॉजी, यदि हम शॉर्ट टर्म में डिफाइन करें कि फिजियोलॉजी क्या होती है, तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब जो भी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सारे फंक्शन हो रहे हैं, हार्ट बीट रेट, डाइजेशन, विजन, मतलब देखना, सुनना, एटसेट्रा, जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सबको फिजियोलॉजी के अंदर रिलेट करते हैं। तो ये होता है फिजियोलॉजी। थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।